जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने जनपद में बाढ़ की स्थिति पर कहा कि बाढ़ को देखते हुए सभी अधिकारी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं। राप्ती नदी, घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ज्यादा हो गया है। 154 गांवों में बाढ़ का पानी पहुंच गया है और जिन गांवों में बाढ़ का पानी पहुंचने वाला है वहां मुनादी करवाया जा रहा है। बाढ़ प्रभावित गाँव में नाव की व्यवस्था की गई है और जिन लोगों का घर बाढ़ के पानी में डूब गया है उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया है। लोगों को बाढ़ राहत सामग्री वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि बाढ़ चौकियां अलर्ट पर हैं। अगर कहीं से भी किसी तरह की स्थिति होती है तो उससे निपटने के लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा अभी अगले दो दिन हम लोग को थोड़ा सा विजिलेंट ज़्यादा रहना है, तो सभी अधिकारी क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। स्पेशली जो राप्ती नदी है, घाघरा नदी है, इन दोनों का लेवल जल स्तर जो है ये खतरे के निशान से ऊपर है और हम लोग रेगुलरली विजिलेंट हैं। जो नियर बाय विलेजेस हैं, जो हमारे 154 गाँव हैं जो लो लाइंग हैं, उन सब का वहाँ पे सभी जगह मुनादी कराया गया है। जो अप्रोच रोड जहाँ पे हम लोग काम करा सकते हैं वहाँ काम कराया गया है। इसके अतिरिक्त नाव की व्यवस्था कराने की तैयारी की जा रही है। काफ़ी जगह ऑलरेडी उपलब्ध है और उसको फंक्शनल भी किया जा रहा है। बाकी फूड पैकेट्स, राशन भी जितने ये चारा सब का व्यवस्था किया जा रहा है। अगर ऐसी कुछ अप्रिय स्थिति आती है तो उसके लिए पूरी तैयारी है। जहाँ पे गया है वहाँ पे नाव की व्यवस्था की गई है। इनफैक्ट खासकर गोला और खजनी क्षेत्र में जितने भी गांव हैं वहाँ पे नाव की व्यवस्था भी कराई जा रही है। इसके अलावा जो राहत केंद्र है उसको भी फंक्शनल कर दिया गया है। जहाँ बंधा के किनारे हाई लेवल एरियाज हैं जहाँ पे जनरली लोग जाना प्रेफर भी करते हैं उसको भी चिन्हित कर लिया गया है। तो एज पर